किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ देन यू डोंट हैव टू वेट अंटिल द ईयर टू कम, कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको एक नए साल के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं होती। हाय गाइस, माय नेम इज़ उमर एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल उमर ताहिर टॉक्स, और आई एम हेयर टू रिमाइंड यू कि हम में से बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं 1 जनवरी का, कि कब 1 जनवरी आएगा और हम लोग अपने ड्रीम्स के ऊपर और अपने गोल्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। बहुत सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हमारे जहन में होते हैं न्यू ईयर को लेके, एंड वी वेट फॉर हैप्पी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। सो पर्सनल विद माय ऑन एक्सपीरियंस के लास्ट तकरीबन 2-3 साल से मैं भी रेजोल्यूशंस पे बहुत बिलीव करता था और मैं उनको लिखता भी था और ख़ुद से मैं उनको कमिट भी करता था, लेकिन मज़े की बात आपको बताऊं कि वो जो रेजोल्यूशंस थी वो आज तक नहीं हो पाई हैं। और उसमें रीज़न सेम एक ही था, कॉमन था, वो ये था कि रेजोल्यूशंस तो मैं कर रहा था ख़ुद से, लेकिन जो कमिटमेंट थी ख़ुद से वो मैं नहीं करता था। तो बेसिकली कमिटमेंट होती है, और एक रिसर्च के मुताबिक कहा गया कि जो लोग इवेंट्स का वेट करते हैं और जो लोग न्यू ईयर का वेट करते हैं कि वो आएगा तो मैं तब से ये काम शुरू करूँगा, वो बहुत पीछे रह जाते हैं उन लोगों से जो लोग ख़ुद से कमिटमेंट नहीं करते। तो कमिटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। कमिटमेंट करने के लिए हमेशा याद रखिए, किसी दिन, किसी महीने और किसी साल की ज़रूरत नहीं होती है। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, और अगर आप 1 जनवरी तक इंतज़ार कर सकते हैं कि 1 जनवरी आएगा तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करूँगा, उनको शुरू करूँगा, सो गेस व्हाट, दे नेवर गोना हैपन, वो कभी भी नहीं हो पाएगा। तो उसकी रीज़न ये होता है कि ये वैसे एक माइंडसेट है, जैसे मंडे माइंडसेट लोगों के सामने होता है। आप किसी से पूछें कि आप ये कब करेंगे तो आपको लोग ये कहते नज़र आएंगे कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, मैं ये मंडे से शुरू करूँगा। तो मंडे वो कभी भी नहीं आता। अभी जो टाइम है, व्हाई डोंट वी स्टार्ट फ्रॉम नाउ, हम अभी से अगर उन पर काम करना शुरू करें, और चेंज जो है वो हमेशा खुद से शुरू होता है और तब से शुरू होता है जब से आप खुद से कमिटमेंट करते हैं। सो आई एडवाइस यू नॉट टू वेट फॉर न्यू ईयर टू कम, क्योंकि नए साल बहुत आते हैं, पिछले भी बहुत गए हैं। इन 2020 वी ऑलरेडी लॉस्ट सो मैनी थिंग्स, हिस्ट्री में शायद ये वर्स्ट जो है वो ईयर रहा है 2020, और इसमें ऑलरेडी हम अपना बहुत नुकसान कर चुके हैं और लोगों का भी। तो क्यों ना हम लोग अब अगले साल की तैयारी अभी से शुरू कर लें, रादर देन वेटिंग फॉर द न्यू ईयर टू कम कि हम भी उस पर रेजोल्यूशंस करेंगे। सो टेक अवे इसका यही है कि एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, हर दिन एक नया मौका होता है, हर सुबह एक नया मौका होता है, आप वो कभी भी शुरू कर सकते हैं। सिर्फ एक माइंडसेट है और उसको आप किसी भी दिन, किसी भी साल, किसी भी महीने सेट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।